उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने गुरुवार को मुजफ्फरनगर पुलिस के फरमान को अब पूरे प्रदेश में लागू करने का आदेश दे दिया। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर घमासान छिड़ गया है और अब इसका विरोध एनडीए के दलों के साथ साथ भाजपा के पूर्व मंत्री ने भी कर दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इसको लेकर एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेताओं का नाम लिखना जरूरी होगा। इस फैसले को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेर रहा था। यही नहीं, अब भाजपा के सहयोगी दल आरएलडी ने भी इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। बता दें कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी का खासा प्रभाव है, जिसके चलते आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जानी चाहिए, लेकिन दुकानों पर अपना नाम दिखाने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है, ये प्रशासन का काम नहीं है। वही आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपनी दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है, प्रशासन इसे वापस लिए, यह गैर संवैधानिक निर्णय है। वही दूसरी ओर भाजपा के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इस आदेश की आलोचना की है। नकवी ने लिखा कि कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली आश्वस्तता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर आश्वस्तता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। इसके साथ ही उनकी पोस्ट पर जिन लोगों ने नकवी को ट्रोल किया, उसको लेकर भी नकवी ने कड़ा संदेश दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा है कि अरे ट्रोलर्स रटुओं, कांवड़ यात्रा के सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे तो मत बांटो। मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था, असहिष्णुता, अस्पष्टता की बंधक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने योगी सरकार को आईना दिखा दिया है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर यूपी सरकार को घेर रहा है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक कार्य है, वे समाज में भाईचारे की भावना को खराब करने का कार्य कर रहे हैं, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। वहीं जेडीयू के केसी त्यागी ने भी कहा था कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अब योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए इस आदेश को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है और इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। वैसे आपका योगी सरकार के इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।